वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पीवीआर स्टडी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके लिए, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी लगभग यूपी के रहने वाले हैं तो अवश्य इस खबर से प्रभावित होंगे। रेल प्रशासन ने 10 ट्रेनों के नंबर बदल दिए हैं। अक्सर आप ट्रेन नंबर पता करते हैं कि ट्रेन कहाँ पर है, स्थिति क्या है, तो इन गाड़ियों को पहले देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रेन है जो कि अक्सर आप लोग आते जाते हैं। इसमें से कई ट्रेन का इस्तेमाल हम भी करते हैं, इस वजह से हमने सोचा आप लोगों को भी दिखा दें। तो रेलगाड़ियों का विवरण कुछ इस प्रकार से है। जैसा कि सबसे पहले हम आपको सबसे ज़रूरी ट्रेन बताएं जो कि आप लोग लगभग जानते होंगे, ये प्रयाग घाट से बस्ती। पहले इसका ट्रेन नंबर जो था वो 14117 था, अब 14117 नहीं, अब ये 14231 और 232, 233 और 234 के अंतर्गत ये सभी हो चुकी हैं। यानी ये है सरजू एक्सप्रेस, जो मनकापुर इलाहाबाद लिखा है ना, ये सरजू एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर अब बदल चुका है। और ये प्रयाग घाट बस्ती, बस्ती प्रयाग घाट, ये है मनवर संगम एक्सप्रेस। जी, आप सभी लोग लगभग जानते होंगे मनवर संगम एक्सप्रेस, तो इसका भी ट्रेन नंबर बदल गया है। और यहां पर और भी ट्रेनों को आप देख सकते हैं जिनको आप लोग लगभग जानते हैं, नया नंबर, ट्रेन प्रभावी और तिथि, कब से बदलेगा ये भी लिखा गया है। प्रयाग घाट हरिद्वार, इस ट्रेन का नंबर जो है वो 14229 हो चुका है 5 सितंबर से। 14230 ये लौटते समय, यानी कि अप और डाउन, यानी डाउन ट्रेन का हरिद्वार प्रयाग घाट का 6 सितंबर से बदलेगा। और प्रयाग घाट से बस्ती यानी कि मनवर संगम एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो 7 जून से बदल जाएगा, 14231 हो जाएगा। पहले ये 14117 था और 14118 था, अब ये 14232 और 31 में चलेगा। इसके अलावा आप जानते हैं सरजू एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर 14125 हुआ करता था और 14126 ऐसे कुछ था ना, अब ये 14233 और 34 में हो गया। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो ट्रेन एक रूट पे चलती हैं, इन सभी का ट्रेन नंबर लगभग एक जैसे कर दिया गया है। मतलब कि ये 31 से लेकर के 34 तक, ये इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज से फैजाबाद और मनकापुर बस्ती एक ही रूट पर चलने वाली ट्रेनें हैं, जो कि दो ट्रेन हैं ये, इन दोनों ट्रेनों का ट्रेन नंबर लगभग एक समान कर दिया गया, मतलब 31, 32, 33, 34 में। बहुत ही आप सभी के काम की ये खबर है। और आगे अगर चलें इसी में देखें तो कोटा देहरादून, इस ट्रेन का नंबर बदल जाएगा 31 अगस्त से, जो कि 12401 कर दिया जाएगा और 12402 कर दिया जाएगा देहरादून कोटा 25 अगस्त से, और 26 अगस्त से इन ट्रेनों के नंबर बदल जाएंगे। इसके अलावा प्रयाग घाट से जौनपुर जाने वाली पैसेंजर का ट्रेन नंबर भी बदल दिया गया है, जो कि 13 मई से बदल जाएगा, 54213 और 54214 कर दिया गया है। इसके अलावा यहां पर आप लोग और भी खबर देख सकते हैं, सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर 182 और ट्रेन में सफर के दौरान शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 138 पर भी प्रसारित करने को कहा गया है। मतलब इन नंबरों पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपको ये सूचना वहां पर भी सुनाई देगी। ट्रेन प्रशासन, रेलवे प्रशासन ने बदले ट्रेनों के नंबर, तो यहां पर अब आप इसे पढ़ भी सकते हैं एक नज़र में, या हम आपको दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। रेलवे प्रशासन ने 5 जोड़ी यानी कि 10 ट्रेनों के नंबरों में बदलाव किया है। उत्तर रेलवे की ओर से जारी सूचना के अनुसार यह बदलाव इस साल अलग अलग तिथि पर लागू होगा। रेलवे प्रशासन ने अभी मतलब कि सभी जोन के मुख्यालय स्तर पर आदेश भिजवा दिए हैं, यहाँ से इन्हें जंक्शन स्तर पर अधिक से अधिक सर्कुलेट करने को कहा गया है। इस बाबत रेलवे के वेबसाइट www.inquiry.railwayindianrail.gov.in पर भी इन नंबरों को अपडेट करने को कहा गया है ना, ऐसा ही तो कुछ हो सकता है। तो अब आप ये ट्रेन जब चेक करेंगे तो आपको इन नए नंबरों को इंटर करना होगा। पहले आप जो 14125 और 14117 ट्रेन नंबर इंटर करके इन सभी ट्रेनों को चेक करते थे, मनकापुर इलाहाबाद यानी कि सरयू एक्सप्रेस और इलाहाबाद ये बस्ती यानी कि प्रयाग घाट बस्ती एक्सप्रेस जी, जो कि यहाँ लिखा गया है इसका नाम है मनवर संगम, मनवर संगम एक्सप्रेस का भी ट्रेन नंबर बदल गया है। तो थी ना ये काम की खबर। जल्दी से इस लाइव को यानी कि इस सेशन को लाइक कर दें और अपने मित्रों में भी शेयर करें, क्योंकि हम जानते हैं अक्सर प्रयागराज में रहने वाले लोग जो हैं वो इन ट्रेनों का इस्तेमाल अवश्य करते हैं, है ना। तो बहुत ही काम की खबर थी। चलते हैं फिर इस क्लास में, इस वीडियो में, इस लाइव में, इतना ही। थैंक यू।